हेलो स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया है डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं कलरफुल वर्ल्ड से, क्योंकि ह्यूमन आई जो था वो डिलेटेड था। तो कलरफुल वर्ल्ड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं बोर्ड एग्जाम में, और जो बन सकते हैं तो वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बोला गया है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए इस पर दो क्वेश्चन बनता है। तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनेगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट को आप प्रिज्म में दिखाओ, प्रिज्म में शो करो कि कैसे प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन बनेगा। तो इन दोनों को समझते हैं, इनका डिफिनेशन लिखते हैं और इनका मैकेनिज्म समझेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, तो इसका आंसर आप लिखिएगा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट कलर, या इंटू इट्स सेवन कलर लिखो, या इंटू इट्स इनके कंपोनेंट कलर भी लिख सकते हो। कंपोनेंट कलर, लाइट का जो कंपोनेंट कलर कौन कौन है, विभगियोर जो पढ़े हम लोग, तो लाइट इंटू इट्स सेवन कलर या कंपोनेंट कलर। तो लाइट का ब्रेक कर जाना, व्हाइट लाइट का ब्रेक कर जाना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो सिंपल आप बोलते हो तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर या कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये हो गया स्टूडेंट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। तो लाइट का, व्हाइट लाइट का टूट जाना। अब जैसे क्वेश्चन अब ये बनेगा कि आपको दिखाना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को प्रिज्म में। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म, इस हेडिंग को थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। डिस्पर्सन ऑफ, हेडिंग ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। डिस्पर्सन को स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। देखो कितना शुद्ध हिंदी एकदम है, प्रकीर्णन बोलते हैं। देख लो ये हिंदी है, प्रकीर्णन है। तो शुद्ध हिंदी ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यह उसका हिंदी हो गया। तो जो बच्चे ये भी बोर्ड के हैं वो समझ सकते हैं कि क्या होता है। देखो तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्सन कैसे होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि एक हम ग्लास प्रिज्म यहाँ बनाते हैं। ग्लास प्रिज्म तो मोस्टली हर एक स्कूल में होता है, बच्चे देखे भी होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस ग्लास प्रिज्म से हम लोग लाइट का, देखो कैसे एक व्हाइट लाइट को ब्रेक करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट मान लो यहाँ पर आपको रखना क्या है, जब भी आप लाइट का डिस्पर्सन ग्लास प्रिज्म से कराओगे तो एक प्रिज्म लो और यहाँ पर एक स्क्रीन लो। स्क्रीन मतलब पर्दा है, ये जहाँ पर एक ऐसा स्क्रीन होना चाहिए जहाँ पर लाइट, रे ऑफ लाइट आकर पड़े, गिरे यहाँ पर। तो एक स्क्रीन हम लिए हैं, इसको स्क्रीन बोल दो, स्क्रीन है ये। यहाँ पर किसी सोर्स से सनलाइट ले लो, या टार्च की लाइट ले लो, या कोई भी एक लाइट सोर्स होना चाहिए। यहाँ से कोई एक हम लोग लाइट यहाँ इसको भेज रहे हैं इसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से समझना थोड़ा सा, जैसे आप लोग पढ़े हो ना रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, क्योंकि ये एयर है, बाहर क्या हवा है, और ये ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। ये एयर है ना, ये ग्लास है, और ग्लास आपको पता होना चाहिए कि कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर क्या है, रेयरर है। ये ग्लास है, एयर आपको पता होगा कि ग्लास के कंपेयर में एयर रेयरर होती है, और ये जो ग्लास है ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है जो ग्लास है। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो आप लोग पढ़े हो ना यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करो। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे नॉर्मल ड्रा कर देंगे, जब ऐसे नॉर्मल ड्रा कर दोगे तो यहाँ से इसे 90 एंगल कहाँ बना रहा है। तो नॉर्मल ऐसे ड्रा करो कि इंसिडेंट रे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब इस सरफेस से, इंसिडेंट से नहीं, इस सरफेस से 90 का एंगल बनाए स्टूडेंट। तो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, अब ऐसे कर दोगे तो सरफेस से 90 बनेगा ही नहीं, अगर ऐसे हम कर दे तो सरफेस से 90 नहीं बनेगा। तो सरफेस से जो 90 बनाए ऐसे नॉर्मल ड्रा करो, इस तरह से ड्रा होगा। अब कुछ बच्चे महान बच्चे होंगे जो ऐसे ड्रा कर देंगे, नहीं देखो सरफेस से 90 बनना चाहिए, इंसिडेंट रे से नहीं, सरफेस से 90 बनना चाहिए।
तो ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट जब रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो अब बताओ जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, अवे जाएगी कि बेंट हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ ही बेंट होगी क्योंकि रेयर से जा रही है डेंसर में, मतलब एयर से ग्लास में। यहाँ पर हम लोग ग्लास लिए हैं, ग्लास को ले लिए हैं डेंसर मीडियम। ग्लास कैसा है आपका, डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर, अब फिर रे ऑफ लाइट क्या आएगी, डेंसर से रेयर में आएगी अब, क्योंकि इधर इधर क्या बताओ एयर है, तो बाहर इधर क्या होगा फिर से एयर हो गया है, लिख लेते हैं ये एयर है। तो फिर से स्टूडेंट क्या होगा कि अब बताओ फिर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये नॉर्मल जुड़ना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, ये देखो 90 का एंगल बनना चाहिए। तो अब बताओ जब डेंसर से फिर एयर क्या हो गया, रेयर हो गया, फिर से एयर एयर। तो जब डेंसर से रेयर, डी से आर डर बताए थे ना कि जब डर लगेगा डी से आर डेंसर से रेयर, तो ये अवे भागेगा, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंट नहीं होगा लाइट, इससे अवे हो जाएगा, मतलब इस तरह से लाइट निकल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से स्टूडेंट होता है ना, ये अभी ये जो हेडिंग पढ़ा है ना डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं है, अभी ये क्या है रिफ्रैक्शन। यहाँ पर इसका ये जो हम बताए हैं ना, यहाँ पर ये लिख लो सही से कि ये हम बताए हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म, ये इस हेडिंग का नाम हो गया। अभी इसको हम समझा रहे हैं, अभी आपको मैकेनिज्म समझाएं कि कैसे यहां पर क्यों नहीं इधर चला गया, क्यों ऐसे बेंड कर गया। तो ये मैकेनिज्म पूरा हो गया, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये ही शेडिंग का नाम है। तो ये आपको हम समझा दिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से लाइट का यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक लाइट गए ऐसे बेंट हो जाएगी, कैसे आपको नॉर्मल ड्रा करना है सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ भी देखो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ से रेयरर से डेंसर, तो लाइट बेंड कर जाएगी, और फिर डेंसर से रेयरर, डी से आर डर, तो ये जो रे ऑफ लाइट है इधर नहीं जाएगी, बेंट नहीं, अवे, इससे अवे हो जाएगी, इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी इधर। तो इस तरह से काम करता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब किस तरह से, अब इसको समझते हैं, ये तो मैकेनिज्म समझ लिया कि प्रिज्म किस तरह से वर्क करता है। प्रिज्म ऐसे वर्क करेगा, व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म पर ऐसे वर्क करवाओगे। अब देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस तरह से होगा प्रिज्म में। तो स्टूडेंट इसको हम मिटाते हैं और फिर से समझते हैं कि किस तरह से एक लाइट जो है या किस तरह से व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर में, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं, तो इसको एक बार नोट कर लो, तो इसके बाद हम उसको देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखो आपको सिखाते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है प्रिज्म से। प्रिज्म का मैकेनिज्म सीख गए ना किस तरह से वर्क करेगा प्रिज्म। अब देखो इसको समझते हैं, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं प्रिज्म, एक बड़ा सा प्रिज्म अच्छे से ले लेते हैं समझने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट हम ले लेते हैं कि स्क्रीन है, ये स्क्रीन ले लो, जहाँ पर कि आपको विवग्योर मिलेंगे ना, 7 लाइट मिलेगी। जैसे देखो एक यहाँ से कोई मान लो व्हाइट लाइट है, अब ये जैसे व्हाइट लाइट यहाँ पर निकलेगी, तभी बताए थे अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रा नहीं करेंगे, इधर क्या होगी फिर इस तरह से हो जाएगी, अब फिर इधर ये क्या कर जाएगी बताइए, बेंड कर जाएगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये जो व्हाइट लाइट है, ये एक ही हम व्हाइट लाइट यहाँ से पास कराएं, लेकिन इस व्हाइट लाइट में याद रखना एक नहीं, इस व्हाइट लाइट देखो कैसे स्प्लिट करेगी, फिर भी ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे स्प्लिट करेगी, फिर इधर से ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट यह व्हाइट लाइट इस तरह से स्प्लिट कर जाती है, मतलब कि अगर देखोगे ध्यान से इस प्रिज्म को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से यहाँ तक पूरा एकदम अच्छे से, ताकि समझ में आ जाएगा। फिर ये यहाँ से एक यहाँ पर देखोगे टोटल, तो इतने 1 2 3 4 5 ऐसे 6 और यहीं से 7, मतलब टोटल ये जो लाइट होगी स्टूडेंट, ये याद रखना टोटल इससे 7 कलर में, मतलब यहीं से आपको लेना है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसी पॉइंट से आपको लेना है, मतलब ये टोटल 7 कलर में एक व्हाइट लाइट ब्रेक कर जाएगी। और यहाँ पर जो आपको कलर मिलेंगे, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर साफ आपको नहीं आ रहा होगा अच्छे से, रुको एक बार इसको हम एक बार इसको अगेन बना देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को इसको सही से करके बना देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। इसको ऐसे हम लेकर चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि एक प्रिज्म है, और यहाँ पर एक व्हाइट लाइट को हम लोग पास कराए हैं यहाँ से, मान लो थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा, साफ दिखना चाहिए, ये स्क्रीन है, तो ये क्या करेगा इसको ऐसे बेंड करेगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये रे ऑफ लाइट को यहाँ पर आप बेंड करा दो, 7 लाइट यहाँ से निकालो, 7 लाइट, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4 5 6 आ रहा है, और यहाँ पर एक इसको और इस तरह से ऊपर लेकर चले जाते हैं, मान लो 7 यहाँ से हो गया ये,
तो देख लो इस व्हाइट लाइट से, बच्चे करते हैं, इस व्हाइट लाइट से आपके पास 7 कलर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं ना स्प्लिटिंग होना। देखो ये प्रिज्म के थ्रू ये व्हाइट लाइट क्या करके स्प्लिट कर गई, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। यहाँ पर स्क्रीन पर जब देखोगे तो यहाँ से इस कलर में ऑर्डर में कलर आएंगे VIVGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर, मतलब कि यहाँ पर वायलेट आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ है, डेविएशन मतलब सबसे ज़्यादा बेंड कौन किया है, तो वायलेट, तो वायलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ है। तो जो प्रिज्म होता है सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका करता है, वायलेट का। देखो हम कितने जितने स्टेटमेंट बोले उसको हम ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब बोला जाए सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, तो बोलोगे रेड का। सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड का। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, वायलेट का। बहुत अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो रेड कलर है इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसीलिए खतरे के समय जब होता है कहीं भी डेंजरस का साइन आपको दिखाना होता है तो आप क्या यूज करते हो, मैक्सिमम वेवलेंथ आप रेड कलर को ही यूज करते हो। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है कि कितना डिस्टेंस तक वो जा रहा है, एक तरह से समझो कि डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करता है, रेड कलर। रेड कलर जो होता है उसकी लाइट जो बहुत दूर तक जाती है, रेड कलर की लाइट बहुत दूर तक जाती है, फैलता कम है। याद रखो जो लेंथ में ज़्यादा दूर तक जाएगा वो स्कैटर नहीं करेगा, स्कैटरिंग का मतलब फैलना, और जो फैल गया स्कैटर कर गया वो दूर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पूरा चारों तरफ से क्या हो चुका है, फैल चुका है, स्कैटर कर चुका है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और जो सीधे जा रहा है तो वो ज़्यादा दूर तक गया, मतलब उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो स्कैटर नहीं करेगा। तो रेड कलर जो होता है इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, जिसके कारण इसकी स्कैटरिंग, अभी स्कैटर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो स्कैटरिंग इसकी मिनिमम होती है। देखो ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, पूरा कंसेप्ट लिखवा रहे हैं, तो इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, मिनिमम, मतलब ये ज़्यादा फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं करता है। अगर ज़्यादा स्कैटर कर जाता तब तो आसमान हम लोगों का रेड दिखाई देता, क्योंकि आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है स्काई, लेकिन ये स्कैटरिंग इसकी मिनिमम है। इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है, और इसमें खास बात बताते हैं, इसका मिनिमम डेविएशन है। इसका डेविएशन क्या बताइए, मिनिमम। तो रेड कलर का मिनिमम डेविएशन होता है, ये जो बात हम लिख रहे हैं ना, समझ लो बहुत ही क्रीम पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी के जस्ट नीचे आ जाओ, वायलेट। वायलेट का स्कैटरिंग सबसे मैक्सिमम होता है, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे जो यहां पर लिखे हैं, इधर स्कैटरिंग इसका मैक्सिमम होता है, और इसमें इसका मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब समझ ही गए ना, कि जिसका ये कम दूरी, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा मतलब ये फैल चुका है, तो इसकी स्कैटरिंग क्या हो गई है, मैक्सिमम। और स्टूडेंट इसका डेविएशन देखो, सबसे ज्यादा बेंड कौन किया है, नीचे की तरफ यही बेंड किया है, तो डेविएशन होता है बेंड करना, तो इसका डेविएशन मैक्सिमम होता है। तो वायलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखो इस ये लास्ट के जो तीन एलिमेंट है ना, ये लास्ट के जो तीन कलर है, कलर ये जो लास्ट के तीन कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। देखो ब्लू का भी कलर, ये तो खुद ही ब्लू है, इंडिगो ब्लू जैसा ही होता है, और वायलेट, इन तीनों एक जैसे देखो तो ये ब्लू जैसे ही हैं। तो ये इन तीनों का नेचर क्या है ना, वैसे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन इसका है, ये स्कैटरिंग मैक्सिमम रखेंगे तो लास्ट के जो तीन कलर हैं इनकी स्कैटरिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे स्कैटरिंग बढ़ती जाएगी, रेड की सबसे कम स्कैटरिंग है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वायलेट, वायलेट की सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद इसकी ज़्यादा होगी। तो ये लास्ट के जो तीन एलिमेंट हैं इनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, ये ब्लू है, इंडिको है, वायलेट है, इसीलिए ये फैल जाते हैं स्काई में, और स्काई जो होता है हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, इसीलिए आसमान का रंग नीला होता है, क्योंकि स्कैटर कर जाते हैं। तो इन तीनों की जो टेंडेंसी है ना स्कैटरिंग होने की, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम टेंडेंसी स्कैटर होने किसके पास होती है, तो मैक्सिमम टेंडेंसी टू स्कैटर, मैक्सिमम टेंडेंसी टू स्कैटर, स्कैटर होने की मैक्सिमम टेंडेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, वायलेट के पास, फिर इंडिगो के पास। तो ऑर्डर लिख लेना, मतलब वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, विबग्योर, यही ऑर्डर चलेगा आपका। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर होने की टेंडेंसी वायलेट के पास होती है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो लास्ट के देखो ये तीन जो है इधर के, इन तीनों का कलर ब्लू जैसा ही होता है, इंडिगो भी ब्लू जैसा ही होता है,
वायलेट कुछ ब्लू का ही पार्ट है, तो ये सब ब्लू जैसे ही होंगे, इसीलिए आसमान आपका नीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम है। तो ये जो हम क्रीम पॉइंट लिखे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड के बारे में और वायलेट के बारे में, आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन यही बनता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, तो मैक्सिमम डेविएशन होता है वायलेट का। तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। फिर पूछ देगा कि जैसे जैसे, अब देखो जैसे जैसे नीचे जाओगे वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। फिर ऑरेंज का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा, फिर इसका होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका लिखवाए हैं, मिनिमम वेवलेंथ इसका लिखवाए हैं। तो कोई पूछेगा कि येलो में और ऑरेंज में किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप लोगे ऑरेंज कलर का। येलो में और ग्रीन में किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो येलो का। तो आप इस ऑर्डर को याद रखना, विबग्योर, तो विबग्योर ऐसे पढ़ते ना, विबग्योर ऑर्डर है। तो लेकिन ये ऊपर का, टॉप का और बॉटम का ये याद रखना, रेड के बारे में और वायलेट के बारे में अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको याद रखेगा। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, वाइट लाइट का सेवन कलर में टूट जाना, तो सेवन कलर में टूट जाना इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और टूट करके अगर यही अब सेवन कलर, अगर यही सेवन कलर अगर डिस्पर्स हो जाए, सेवन कलर मतलब वो स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले याद रखना, पहले अब क्वेश्चन बन रहा है कि पहले स्कैटरिंग होता है कि पहले डिस्पर्सन होता है, तो याद रखना स्टूडेंट पहले डिस्पर्सन होता है, क्योंकि जब तक डिस्पर्सन होगा नहीं, मतलब जब तक लाइट टूटेगी ही नहीं, सेवन कलर जब आएंगे नहीं, तो कहां से स्कैटर करेगा वो। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले स्कैटरिंग होता है कि पहले डिस्पर्सन होता है, तो पहले डिस्पर्सन होता है, मतलब पहले लाइट स्प्लिट करती है, टूटती है, और इसके बाद फैल जाती है, बिखर जाती है, तो उसको स्कैटर बोलते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है पहले होता है, इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो उसका भी डिफिनेशन आपको हम लिखवा देंगे, और तब तक के लिए देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं कुछ और नया कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, देखिए डिस्कस करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, अब सभी समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, द फिनोमेना इन विच लाइट इंसिडेंट, या पार्ट ऑफ लाइट भी बोलते हो, या लाइट ही बोलो, लाइट इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब लाइट किसी एक जगह क्या करे, इंसिडेंट करे, किसी एक पार्टिकल पर जाकर गिरेगी और इसके बाद फैल जाएगी, तो स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, बताइए, स्प्रेड का मतलब फैलना, इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही होता है कि वो लाइट कहीं किसी जगह इंसिडेंट करेगी, किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट करेगी, और इसके बाद वो क्या कर जाएगी, बताइए, स्कैटर कर जाएगी, फैल जाएगी, तो ऑल द डायरेक्शन उसी बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस में होता है, बताइए, अभी बताया था ना कि फैलता कौन है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम किसकी होती है, तो ये बताया था ना, विबग्योर का ऑर्डर था, विबग्योर ये था। तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा किसका होगा, बताइए, तो विबग्योर के ऑर्डर में स्टूडेंट आप बता सकते हैं ना कि वायलेट जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर क्या होता है, ब्लू, ये बताया था ना अभी, जिसके कारण कि आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। तो क्वेश्चन बनता है कि वाइड स्काई एपियर ब्लू, तो आप रीजन दे सकते हो, ड्यू टू द हाई स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो इनका जो होता है ना स्कैटरिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि जो स्काई का कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये क्वेश्चन बनता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो और इसमें ज़्यादा कुछ है ना स्टूडेंट, इसको बस याद रखिएगा, डिस्पर्सन आपको समझाई दिए, प्रिज्म से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो बता ही दिए मैकेनिज्म, इसके बाद ही वो जो समझे थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और अब इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन बने हैं वो देते हैं, और इसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो अब इस पर क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप उसको कर लेंगे, तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ देते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और जो हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लग जाएगा। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज स्कैटर्ड मिनिमम, बोला गया इसमें कौन सा कलर मिनिमम स्कैटर्ड करेगा, अब बताओ क्या होगा इसमें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए बच्चे जल्दी से क्या होगा। हाँ वेट कर रहे हैं, 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं, बताइएगा आप लोग, 30 सेकेंड वेट कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि स्कैटर्ड मिनिमम होगा, तो अभी विव ग्योर का आर्डर सिखाया थे आप लोगों को, विव ग्योर के आर्डर में यहाँ पर क्या होता है याद पड़ रहा है ना, विव ग्योर, तो विव ग्योर कहाँ था बताइए, नीचे था वी वायलेट, तो मिनिमम स्कैटर्ड कौन करेगा, तो रेड जो होता है स्टूडेंट आपको पता होगा कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है, तो अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ये बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है, जो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो स्कैटर कर नहीं सकता, वो फैल नहीं सकता अच्छे से, और बताए भी थे सब लिखवाए थे कि मिनिमम स्कैटर्ड कौन करता है, रेड करता है, क्योंकि ब्लू तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, ब्लू और वायलेट देखो ये सब तो इतने स्कैटर्ड करते हैं तीनों, जिसके कारण कि स्काई का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो ये तो स्कैटर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हाँ स्कैटर मिनिमम पूछा गया था तो रेड होगा। अच्छा सेकेंड का आंसर बताइए, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू क्या होगा, स्काई का जो ब्लू कलर होगा किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन, कि नन ऑफ दीज, जल्दी से बताइए स्टूडेंट क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर किसके कारण होगा, तो ये बताओ कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कि लाइट का टूटना, बस लाइट टूट गई वो हो गया डिस्पर्सन का काम समाप्त हो गया, अब लाइट क्या होगी फैलेगी, तो लाइट जब फैलेगी तभी तो आसमान का कलर कैसा होगा, नीला होगा, स्काई ब्लू होगा, तो फैलना स्प्रेड होना फैलने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर स्काई का जो ब्लू कलर होगा वो स्कैटरिंग के कारण होगा, तो बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट अंडरगोज द मैक्सिमम डेविएशन, बोला गया कौन सी लाइट के कलर होगा, ऐसा कौन सा लाइट का कलर होगा जो मैक्सिमम डेविएशन को शो करेगा जब उसको प्रिज्म से पास किया जाए, ग्लास प्रिज्म से, अभी बताए थे सब लिखवाए थे, देखिए जो कॉन्सेप्ट सिखाए उसी पर क्वेश्चन सब आ चुका है, तो मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करता है, जो सबसे नीचे था, नीचे कौन था, वायलेट, क्योंकि वायलेट विव ग्योर में सबसे कहां था, नीचे था, तो ये बेंडिंग बहुत ज्यादा करवाता है, तो वायलेट जो होगा मैक्सिमम डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन सी, अगर यही बोल देता कि मिनिमम डेविएशन किसका था तो रेड का था, तो मैक्सिमम का क्वेश्चन अगर आया था तो मिनिमम का भी आ सकता है, तो उसका रेड हो जाएगा, क्योंकि जो रेड होता है वो कम डेविएट करता है, तो स्टूडेंट देख सकते हो कि कितना आसान कंसेप्ट था, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ओके स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, इसके बाद आपको कुछ हम क्वेश्चन देंगे और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देना है, तो ओके स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट देखिए ये आपके दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का आर्डर इसमें कौन सही होगा बताना है, रेड का ज़्यादा होगा, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, मतलब आर्डर किसका सही बताना है, और डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन बताइएगा आप लोग क्या होगा, तो बस आज के इतना ही, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और वीडियो को जम कर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो जिससे और भी बच्चे देख सकें और इसका फायदा उठा सकें, तो ओके स्टूडेंट पढ़ते रहिए इंजॉय के साथ और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, बस आज के इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।